नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत किया देश का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण बंद के चौथे चरण की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मन की बात के जरिए राष्ट्र का संबोधन किया था, जिसके तहत उन्होंने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 को रोकने में सफलता मिलने की बात कही है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कोविड-19 इतनी तेजी से नहीं फैला है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल चुका है। भले ही उद्योग जगत में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, लेकिन हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश के सभी इलाके में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के परिश्रम की भी उन्होंने सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने कई दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए जारी किए गए नए आविष्कार की भी सराहना की है। वहीं कोविड-19 के इस माहौल में गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग की हर संभव मदद करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के संबोधन के दौरान योगा पर ध्यान देने की बात कही, क्योंकि कोविड-19 रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में इसको मजबूत रखने के लिए योगा सबसे उपयोगकारी साबित होता है। कल से पूरे देश में लागू होगा एक देश एक राशन कार्ड नियम। कल से पूरे देश में एक देश एक राशन कार्ड नियम जारी कर दिया जाएगा, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान इसका जिक्र किया था कि मोदी सरकार की योजना से करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। सरकारी योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल की जाएगी। देश में इस योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर POS मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है। जैसे ही सभी राज्य PDS दुकानों पर POS मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे ही उन्हें एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को अधिसूचना जारी करते हुए साफ कर दिया है कि 30 सितंबर से पहले सभी राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य होगा। अब आइए जानते हैं लॉकडाउन के 5वें चरण में किन किन चीजों में मिलेगी राहत। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण 1 जून से 30 जून तक के लिए बंद के 5वें चरण के तहत गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी इलाकों में भारी छूट देने का ऐलान जारी किया है। इसके तहत अब सिर्फ रात में ही सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई पुलिसकर्मी अब रोक टोक नहीं करेंगे। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। स्कूल कॉलेज पर अगले महीने फैसला आने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च खोल दिए जाने की अनुमति दी है। वही मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में मंदिर होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल 8 जून से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी को खत्म कर दिया गया है कंटेनमेंट जोन में, लेकिन पहले की तरह सख्ती दिखाए जाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किन राज्यों में कितनी छूट मिलेगी, यह पूरी तरीके से राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। टिड्डियों के झुंड से निपटने का भारत को है सदियों का अनुभव। पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंची टिड्डियों के दल ने किसानों की परेशानी बढ़ा रखी है, और अब यह दल राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों को बर्बाद कर चुका है। कोविड-19 के माहौल में टिड्डियां सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि सरकार का विश्वास है कि इससे निपटने के लिए भारत के पास 2 सदियों का अनुभव मौजूद है। खबरों की माने तो भारत का टिड्डा संगठन 81 साल पहले स्थापित किया गया था। यह संगठन टिड्डियों को भगाने में सबसे आगे है। वही उम्मीद जताई गई है कि भारत अपने अतीत के कुछ हिस्सों का उपयोग इसे निजात पाने के लिए कर सकता है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने न केवल इस झुंड को रोकने के लिए काफी प्रयास किए, बल्कि उल्लंघन के पीछे के विज्ञान को भी समझा है। 19वीं सदी में भारत में 1812, 1821, 1843 से 44, 1863, 1869, 1878, 1889 से 92, 1896 से 97 में टिड्डियों का प्रभाव भारत में देखने को मिला था। इसलिए भारत काफी लंबे समय से इसे निजात पाने के लिए कई सारे कदम उठाता है, और भी भारत की तरफ से इसे निजात पाने के लिए उम्मीद जताई गई। मार्केट में डिजाइनर मास्क की बढ़ी मांग। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच कोविड-19 से रोकथाम के लिए मास्क को एक उपयोगी सामान बताया गया है, जिसके बाद इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इसी बीच बाजार में डिजाइनर मास्क की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग डिजाइनर्स में अलग अलग तरह के मास्क कस्टमाइज करवा रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक तरह का मास्क भी बनवाते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत डिजाइनर वरुण ने बताया है कि लोग मास्क के फैमिली पैक की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही लड़कियों और महिलाओं के लिए स्पेशल मास्क तैयार किए जाने और कॉटन का इस्तेमाल करके भी मास्क तैयार किए जाने की बात कही गई है। डिजाइनर मास्क की कीमत 199 रुपए से शुरू होती है। उन्होंने बताया कि जब से कोविड-19 के लिए मास्क को अनिवार्य किया गया है, तब से मास्क की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। खासकर डिजाइनर मास्क लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ICMR ने हाई रिस्क पर रहने वाले लोगों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने का जारी किया आदेश। ICMR ने कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों समेत व्यापक तौर पर अन्य व्यक्तियों के आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की सलाह दी है, जिसके तहत हाई रिस्क पर मौजूद व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, वॉलंटियर्स का परीक्षण शामिल किया गया। ICMR का मानना है कि संक्रमण के सर्वेक्षण
वैक्सीनेशन के जरिए कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए योजना बनाने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, खबरों के अनुसार ICMR द्वारा भारत में संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे कराए जाने की बात कही गई है, जिसके लिए 70 जिले के लोगों का कोविड 19 के लिए परीक्षण किया जाएगा। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इन लोगों ने कोविड 19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है या नहीं, जिसके परिणाम अगले एक हफ्ते में आने की उम्मीद जताई गई है। आंधी की वजह से ताजमहल की रेलिंग को हुआ नुकसान। आगरा स्थित ताजमहल में बीते दिन हुए आंधी तूफान की वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। खबरों की माने तो ताजमहल के मार्बल की रेलिंग टूट गई है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी दी है और बताया है कि शुक्रवार की रात को आंधी आने के कारण रेलिंग टूट गई है। ताजमहल का रखरखाव देखने वाले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीक्षक रतन कुमार ने बताया है कि तेज हवा चलने के कारण ज्यादा बर्बादी हुई है। अधिकारियों की माने तो ताजमहल परिसर में पश्चिमी गेट और पर्यटक के प्रवेश और तलाशी वाले गेट के पास टिकट वाले स्थान पर बर्बादी हुई है, जहां पर अनेक पेड़ उखड़ गए हैं। हालांकि ताजमहल में हुई बर्बादी को ठीक करने का सिलसिला जारी है। वहीं अधिकारियों ने मुख्य इमारत में किसी भी तरह की बर्बादी नहीं होने की पुष्टि की है। रविशंकर प्रसाद ने कोविड 19 को बताया एक अवसर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीते दिन कोविड 19 को एक चुनौती करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह चुनौती के साथ साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि इस अवसर में भारतीय इसका फायदा उठाते हुए देश को महान राष्ट्र बना सकते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का कृत्रिम मेधा पोर्टल जारी किया गया है। यह पोर्टल भारत में उभरती प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माता इंटेल के साथ मिलकर युवाओं के लिए कृत्रिम मेधा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरुआत भी की जा सकती है। मेरा मानना है कि कोविड 19 एक बड़ी चुनौती है। यह समस्या भरा वक्त है, लेकिन कोविड 19 एक बड़ा अवसर भी है। लेकिन मुझे भारतीय प्रौद्योगिकी और योग्यता को लेकर कोई शंका नहीं है। भारतीय चाहे वह व्यक्तिगत तौर पर हो या फिर समूह में हो, आगे आकर भारत को इस पर बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। सिर्फ रविशंकर प्रसाद ने ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिनों पहले कोविड 19 के इस माहौल को अवसर की तरह लेने और साथ ही इसमें आत्मनिर्भर देश बनने की पहल को तेज किया था। अनलॉक के पहले चरण में केंद्र की गाइडलाइन के बावजूद 3 राज्य में नहीं दी गई छूट। भारत में लगातार कोविड 19 के बंद के माहौल जारी है। केंद्र सरकार ने इसी बीच भारत को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्र में छूट दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार की तरफ से दी गई छूट का मतलब यह नहीं है कि सभी लोग सामान्य दिनचर्या का पालन करना शुरू कर दे। छूट जरूर दी गई है, लेकिन अभी भी पाबंदियां उतनी है। वहीं इसी बीच पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने बंद की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत इन सभी राज्यों में 15 जून तक बंद की अवधि को बढ़ा दिया गया है। हालांकि पंजाब और तमिलनाडु में 15 जून के बाद भी बंद का फैसला कायम रखने का संदेश दिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का इन 3 राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इन तीनों राज्यों में पहले की तरह बंद कायम रहेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने बीते दिन हाई रिस्क वाले सभी क्षेत्रों में 30 जून तक बंद की अवधि को बढ़ा दिया, लेकिन देश भर में दर्ज किए गए उच्च रिकॉर्ड मामले में रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल को 8 जून से खोलने की अनुमति भी दे दी है, जिससे कि राज्यों ने यह चिंता जाहिर की है कि कोविड 19 के फैलने की दर और ना बढ़ जाए। कोविड 19 का इलाज ढूंढने वाली टीम में शामिल हुए भारतीय मूल की वैज्ञानिक चंद्रबली दत्ता। कोविड 19 ने पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं इसके रोकथाम और बचाव के लिए वैक्सीन खोजने की परियोजना पर काम जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेशेवरों की एक टीम का हिस्सा बनी भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक का कहना है कि कोविड 19 से बचाव के लिए बनाए जा रहे वैक्सीन का हिस्सा बनने से सम्मानित महसूस कर रही हूं, क्योंकि दुनिया भर की आशा इस वैज्ञानिक के परिणाम से जुड़ी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेशेवरों की एक टीम में शामिल किया गया है। भारतीय मूल की वैज्ञानिक मूल रूप से कोलकाता की निवासी है। वह कोलकाता में ही पैदा हुई थी और विश्वविद्यालय के जनरल इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम करती थी। वहीं दत्ता ने अपने सिलेक्शन के बाद कहा है कि हम सभी लोग आशा कर रहे हैं कि अगले चरण में सही ढंग से काम हो, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह वैक्सीन निर्माण के ऊपर है। वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी कस्टर ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर कही अहम बात। वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी कस्टर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बुद्धिमत्ता शांति एक मैच विजेता की निशानी होती है, उनके दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं और एक महानतम खिलाड़ियों में शामिल करते हैं। माही ने अपनी शर्तों के साथ संन्यास लेने का अधिकार हासिल किया है। उन्होंने आगे कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक अविश्वसनीय क्रिकेट खेल को अपनी शर्तों पर छोड़ने का अधिकार हासिल करते हैं और उस समय के अनुसार किसी को भी उन्हें निर्देशित नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी काफी लंबे समय से मैदान से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में उनके संन्यास से संबंधित कई सारी खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी साक्षी ने भी सभी लोगों से अफवाह फैलाने की अपील नहीं की थी, लेकिन फिर भी बार बार उनके संन्यास की खबर सामने आ रही है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच धार्मिक स्थल रेस्टोरेंट खोलने के फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।